आपको लग रहा होगा मैं इतने धीरे क्यों बोल रही हूँ। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भाई हूँ। तो अबे यार मैं तो भाई हूँ, अभी मर्डर कर डालूंगी किसी ना किसी का। लगती हूँ यार मैं भाई हूँ, बंदी हूँ मैं, भाई बोल के रक्षाबंधन आ रहा है। आ जाओ मेरे भाई लोग, मैं भी भाई के राखी बांध दूंगी। अच्छा वो तो उन लोगों के लिए बात हो गई जो लोग मुझे भाई बोलते हैं, चलो उनको भी छोड़ देती हूँ मैं अभी इस वक्त के लिए, तो मैं मर्डर कर दूंगी। तो आपने मेरा थंबनेल देख के ओपन तो कर ही लिया होगा, और आज मैं बाबा के उसमें बैठी हूँ। मैं सोची सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। कोई कर क्यों नहीं रहा मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को, जल्दी करो, लेट मत करो। और मैं अभी फिर दोबारा से बोले जा रही हूँ, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा मेरा, और मैं बात करने जा रही हूँ अपकमिंग 5G फोन के बारे में। पहले आपको तो पता होगा कि 2G था, 3G था, 4G था, अभी आ रहा है 5G। तो 5G भी आ रहा है और अपने फोन के साथ आ रहा है, उन फोन के बारे में मैं बताऊंगी आपको। पर पहले क्या था कि काफी स्लो थे फोन, और 2G था, 3G था, पर बंदे बोलते 4G आ गया तो फिर क्या हुआ, चलना तो उसने 2G के जैसा ही है। तो हाँ मैं तो बोलती हूँ मेरे पंजाब में तो 2G है। मेरे डैडी बोलते थे मुझे कि यार तुझे क्या पता, तू तो 5G 5G बोलती है, 4G 4G बोलती है, हमारे तो पंजाब में 2G है। तो मेरा दिमाग काम किया, मैंने बोला हाँ जी डैडी जी 2G तो हैगे है। तो 2G तो वैसे आया नहीं, हमारे पंजाब में जरूर है 2G। और ये फोन आ रहे हैं, और आपको तो पता होगा कि 4G जियो के आने से ही काफी ज्यादा लोगों ने यूज करना चालू कर दिया था। और 4G आने के बाद, 4G फोन आने के बाद कंपनी ने 4G सिम भी निकाल दिए थे। वो सिम क्यों निकाले थे, क्योंकि 4G फोन में अगर 3G सिम चलाएंगे तो स्लो चलेगा ही। तो अभी मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कौन कौन से फोन है जो कि 5G में आने वाले हैं, और उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। पर पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लूंगी तो मैं पक्का 2G तो नहीं बनूंगी, भाई जरूर बन जाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, और लग रही है ना, और लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मैं अगर भूल जाऊं आपको बोलना आप बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूस पी लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ इन फोन्स के बारे में और सब चीजों के बारे में। आज मैं बात करने वाली हूँ 2G के बारे में, उप्स भूल गई, 5G के बारे में। तो 5G के बारे में बात करने वाली जो फोन आने वाले हैं, तो पहले मैं फोन के बारे में, जो पहला फोन है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी कंपनी बहुत पसंद है, और मुझे अच्छा लगता है वो फोन, क्योंकि हैंग नहीं होता कभी भी। तो मे बी अगर आपके माइंड में है तो जल्दी जल्दी अपना माइंड चलाओ कि वो कौन सा फोन होगा। तो उससे पहले मैं ज्यादा फास्ट हूँ आपसे, तो मैं बोल देती हूँ कि वो फोन कौन सा है। तो वो फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S10। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही है। तो दिमाग में आया था या नहीं आया था, चलो ठीक है। तो मैं ये बता देती हूँ कब लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो आप ज्यादा टेंशन मत लो। तो ये 20th November 2018 को लॉन्च होने वाला है, पर ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, थोड़ी बहुत डेट्स इधर उधर हो सकती है, पर आप मैनेज कर लेना। इसके प्राइस बताने से पहले मैं इसके फीचर के बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि प्राइस जान के पता नहीं ऐसा ना हो जाए। पहले फीचर के बारे में सुन लीजिए प्लीज ध्यान से, ठीक है। तो इसका डिस्प्ले है 6.2 इंच का, जो कि अच्छा है, बड़ा है, आप फोटोज बहुत अच्छे से देख सकते हो। और इसके साथ साथ आपको इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल मिलेगा, और क्या हुआ कुछ नहीं हुआ मुझे तो ये चीजें। आपको इसके बैक में ड्वेल कैमरास मिलेंगे, जो आजकल हर एक फोन में होती है ड्वेल। और मैं अगर बोलती रहूँ यार आप सेल्फी अच्छे से ले लोगे, आप बोलोगे हर वीडियो में यही सब चीजें कुछ बोलती रहती है, पर ये बात तो मैं आप भी बोलूंगी, सेल्फी तो अच्छे से लोगे, पर इसके जो दोनों कैमरे है वो है 13 मेगापिक्सल, मतलब ये प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। तो आप फोटोज तो ले सकते हो, और फोटो लेने के बाद आप इसके बड़े डिस्प्ले में अच्छे से देख भी सकते हो। और अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो आपको इसकी बैटरी मिलेगी 3000
500 mAh की, जो कि थोड़ी सी कम है। अगर आप इतनी सारी फोटोज खींचोगे, अगर आप प्यार से अपनी मूवीज देखोगे तो थोड़े बहुत गर्म भी हो जाएगी, तो गर्म हमें नहीं करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान से आप करना। और मैं आपको अगर एडवाइस दूं एक, तो सुनोगे, कभी भी आप अपना फोन अगर चार्ज पे लगा रहे हो तो हेडफोन डाल के आप उसको यूज करना, ऐसे कान पे मत लगा लेना, नहीं तो जो सब लोग बोलते कि फट जाएगा वो मैं नहीं बोल रही हूँ, आपका कान गर्म हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ, और कुछ नहीं बोल रही। तो अभी अगर मैं बताऊं आपको प्राइस के बारे में, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, तो इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके स्टोरेज और रैम के बारे में। तो इसका रैम है 6 GB रैम है इसका, और 128 GB की स्टोरेज है, तो आपको पता लग गया होगा। तो अभी मैं इसके प्राइस के बारे में बताऊं क्या, तो इसका प्राइस है 59,990। वाह, मैं मरूं? नहीं, मुझे नहीं मरना, जो लेने वाले होते यार ले ही लेते हैं, पर मैं नहीं लूंगी, सैमसंग में मैं छोटे से भी खुश हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा इसका पूरा फीचर तो आप ले लेना, पर थोड़े टाइम के लिए रुक जाना, कब, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है मेरे लिए, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब 4G लॉन्च होने वाला था तब मैंने 3G फोन ले लिया था, तब क्या हुआ, तब मैंने सोचा यार थोड़े दिन रुक जाती तो मैं भी 4G फोन ले लेती, क्योंकि 4G फोन के साथ जियो ने तो अपना धमाका मार दिया, तो फिर मुझे उसके लिए भी लेना पड़ा, क्योंकि कोई ना कोई तो सोचता रहता है ना थोड़ी तो सेविंग हो जाए, और इतने सारे ऑफर्स दिए थे, तो फिर जाके मैंने कहीं ना कहीं जुगाड़ करके वो छोटा सा फोन मैंने बेच दिया और फिर दूसरा ले लिया। आप ऐसा मत करना, थोड़ा सा रुक जाना और फिर ये फोन खरीद लेना अगर आपको अच्छा लग रहा प्राइस वाइज। तो नेक्स्ट आता है हवाई P30, ये भी 5G फोन है, और मैं तो 5G फोन के बारे में ही बात कर रही हूँ, इसके प्राइस के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, और मैं भूलूंगी नहीं प्राइस के बारे में बात करना, पहले मैं इसके फीचर्स के बारे में आपसे मैं बात कर लेती हूँ कि इसके फीचर्स मैंने देखे बहुत अच्छे हैं, और आप सुनते रहो क्या फीचर्स हैं। अच्छा अच्छा आपको ज़रा सताती नहीं हूँ, पहले मैं बोल देती हूँ, इसका कैमरा जो फ्रंट कैमरा है वो है 24 MP, और साथ के साथ आपको इसके बैक पे 3 कैमरास मिलेंगे, और जो कि है 45 MP प्लस 16 MP प्लस 13 MP, काफी ज्यादा अच्छी कैमरा है, आप बहुत अच्छी फोटो खींच सकते हो, बहुत अच्छा फोकस कर सकते हो। जब मैंने देखा कि ये 3 कैमरा पीछे है, मतलब कि मैं खड़ी हो जाऊं तो मेरी ट्विंस और भी आ जाएंगी एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, पर ऐसा नहीं होगा, मजाक कर रही हूँ। आप बहुत अच्छी फोकस से आप फोटो खींच सकते हो। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो इसका डिस्प्ले है 6.3 इंच, जो कि बहुत अच्छा, बड़ा बड़ा मूवी देखो, अच्छी अच्छी मूवी देखो और वीडियो कॉल करो, और वीडियो कॉल करके, जब वीडियो कॉल करते हैं, जब इतने अच्छे कैमरास हो आपके फोन में, तब सच्ची बोलती हूँ खुद को ही खुद के ऊपर नजर लग जाती है। जब भी आप वीडियो कॉल कर रहे हो या फोटो खींच रहे हो ना, एक काला टिक्का जरूर लगा लेना, नजर नहीं लगेगी क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसकी बैटरी है 4000 mAh की, बहुत अच्छी बैटरी है, बहुत अच्छे फीचर है। और अगर मैं इसकी स्टोरेज की बात करूँ तो इसका स्टोरेज भी सेम है, जो कि मैंने पहले भी बोला, इसका स्टोरेज भी सेम है। बता देती हूँ, पता नहीं आप फिर वापस जाके देखोगे कि इसने क्या बोला था, मैं पहले ही बोल देती हूँ। इसका रैम है 6 GB रैम, 128 GB की स्टोरेज है, अच्छा है, पहले ही बोला था अभी बोल रही हूँ, काफी अच्छा है। और इसका प्राइस है 45,999 पर, 1 रुपया कम, मतलब ये 50,000 का आपको नक्की में मिल जाएगा। अगर जाके आप नॉर्मल शॉप पे वो कर रहे हो तो थोड़ी बहुत बार्गिंग भी कर सकते हो, जब भी आ रहा है ये फोन थोड़ी बहुत बार्गिंग कर लेना, और मे बी ये और भी वेरिएंट्स में आएगा। और इसका प्राइस है जो, वो अभी तक इसका प्राइस भी ऑफिशियली अभी पता नहीं चला है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, अगर पीछे हुआ तो बहुत खुशी की बात है, आगे हुआ तो बहुत गम की बात है, क्या कर सकते हैं, लेने वाले तो ले लेते हैं। तो थर्ड में मैं बात करने जा रही हूँ बहुत प्यारे से फोन के बारे में, अभी भी वो फोन
है यहाँ पर हमारे इंडिया में है और काफी लोग यूज भी कर रहे होंगे, पर ये फोन जिसके बारे में बात करने वाली ये लॉन्च होने वाला है 20 फेब को, 2019 को। तो ये फोन का नाम है OnePlus 7। इसके काफी ज्यादा जो फोन होंगे काफी लोग यूज भी कर रहे होंगे, पर ये वाला फोन 20 फेब 2019 को लॉन्च होने वाला, जो कि 5G फोन है और काफी अच्छा फोन है। तो इसके प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, पहले इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका डिस्प्ले है 6.4 इंच का, जो कि काफी अच्छा है डिस्प्ले। तो इसके साथ आपको इसका फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का मिलेगा और बैक में आपको डुअल कैमरास मिलेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि हर फोन में आते रहते हैं डुअल कैमरास, और बहुत अच्छा हो गया कि एटलीस्ट आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब फोटो खींच रहे हैं तो फोकस अच्छे से हो पा रहा है, तो हमें कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है। चलो ये तो मैं बोलती रहूंगी, आप सुनते रहोगे। तो इस कैमरा, ये जो डुअल कैमरास हैं, ये दोनों ही 16 16 मेगापिक्सल की है, जो कि बहुत अच्छी है। और इसके साथ आपको इसकी बैटरी 3500 mAh की मिलेगी, जो कि थोड़ी सी कम है और आपको भी पता है। इसके साथ आपको मैं एडवाइस ये करना चाहती हूँ, जब भी आप नया फोन ले रहे हो तो आप अपना फोन 8 आवर्स के लिए चार्ज करो, मे बी इन फ्यूचर में आपको बैटरी का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो अगर मैं इसकी स्टोरेज और रैम की बात करूं, तो इसका रैम 6 GB है और इसकी स्टोरेज है 128 GB की स्टोरेज है, जो कि अच्छी है। आप अच्छे से स्टोर कर सकते हो अपनी फोटोज मूवीज, अच्छे से कर सकते हो। और एक बात बहुत ही मेरे दिमाग में आई, पता नहीं आपके दिमाग में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, कि शुक्र है यार कि ये फोन 20 फेब को लॉन्च होने वाला है, 14th को लॉन्च नहीं होने वाला। अगर 14th को लॉन्च होने वाला होता तो आप लोगों की गर्लफ्रेंड ये बोलती, बाबू मेरा फोन टूट गया, क्या बात है, आप मुझे वैलेंटाइन डे को क्या ये फोन गिफ्ट कर रही हो, मैंने देखा कि ये फोन बहुत अच्छा है ना। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप भी आप सोच रहे होंगे कि यार लड़की है, लड़की के बारे में ऐसी बोल रही है, यार जो बात सही है वो बात सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं नहीं मांगती, तो लड़कियों को भी नहीं मांगना चाहिए। अगर वो मांगे तो उससे जो मैंने पहले वाला बोला है ना, तो वो बोल देना, ठीक है, तो चुप एकदम। तो ये भी ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ हुआ है, और इसका प्राइस है 39,990। मतलब कि अगर ये 14 फेब को लॉन्च हो जाता तो आपको 40,000 का फटका लग ही जाता, कैसे ना कैसे लगता जरूर, पर अभी नहीं लगेगा। पर मैं गारंटी नहीं ले सकती, मुझे मत बोलना कि भाई तूने बोला था और फटका तो फिर भी लग गया। क्या मालूम आपकी गर्लफ्रेंड क्या सोच रही है और फटका लगाने के लिए हमेशा याद रख रही हो, नहीं ये नहीं हो रहा तो दूसरा होगा, मैं पक्का अपने बॉयफ्रेंड को फटका लगाऊंगी, मेरे पास मोबाइल नहीं है बाबू, मुझे मोबाइल दिला दो। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अभी इसके बारे में आपको पता चल गया, तो चलिए हम दूसरे फोन के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर पे है सोनी एक्सपीरिया XZ3। इसका प्राइस आप लोगों को लगेगा कि इसका प्राइस भी मैं बाद में बताऊंगी, बाद में क्या बताऊंगी, मुझे भी बाद में ही पता चला, क्योंकि इसका प्राइस अभी तक ऑफिशियली पता नहीं चला है। तो ये फोन, वैसे तो आपको जितने फोन के बारे में भी बताया है, ये सब फोन आपको अलग अलग वेरिएंट्स में मिल सकते हैं। तो इस फोन का अभी सोनी एक्सपीरिया XZ3 के बारे में जो मैं बताने जा रही हूँ, इसका रेट तो आपको पता नहीं चला है और मुझे भी नहीं चला, तो हम चलते हैं इसके फीचर्स के बारे में, फीचर्स जान लेते हैं कि इसके एटलीस्ट फीचर तो पता चल जाए फीचर क्या है। तो इसका डिस्प्ले है 5.7 इंच का, जो कि थोड़ा सा छोटा है, जो कि इसका फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, और हर एक फोन में तो 12 कैमरास बैक में होते ही है, तो ये फोन कैसे पीछे रह सकता, तो ये भी फोन आगे बढ़ गया और 12 कैमरास दे दिए। और 12 कैमरा जो प्राइमरी कैमरा है 19 मेगापिक्सल का, और जो सेकेंडरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। इसके साथ आपको इसकी बैटरी 3240 mAh की मिलेगी, जो कि कम है, तो आपको एडवाइस तो दी है, तो वैसा ही कर लेना, फोन चार्ज पे लगाना, और अगर चार्ज पे लगाना है तो बात मत करना ऐसे ही करके, नहीं तो
फोन गरम नहीं कान गरम हो जाएगा, और कुछ नहीं बोलती, वही बोलती हूँ मैं। और इसके रैम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका रैम सेम ही है यार, सब फोन का सेम ही होता है, तो इसका भी सेम ही है। 6GB रैम, 128GB की स्टोरेज आपको मिलेगी इस फोन में, काफी अच्छा है। पर इतना बोल सकती हूँ कि ये फोन का अभी तक प्राइस तो पता नहीं चला है, पर मेरी तरफ से आपको मैं ये बोल सकती हूँ ये फोन बजट फोन तो नहीं रहेगा और नहीं मिलेगा बजट फोन में, आप देख सकते हो। तो फिफ्थ नंबर पे है मोटो Z3 जिसका प्राइस है, अभी आपको लगेगा कि मैं इसका प्राइस बाद में बताऊंगी, नहीं यार मैं अभी इसका प्राइस पहले बता देती हूँ। तो इसका प्राइस है 33,000। आगे और कुछ नहीं है, सर जीरो ही है, और मैं कैसे बता सकती हूँ और भी नाइन या समथिंग कुछ नहीं डाल सकती, तो 33,000 का तो 33,000 ही रहने देते हैं। और ये फोन ये महीने 16 तारीख को सेल में आ जाएगा, आप खरीद सकते हो। अगर ये इस महीने 16 तारीख को आ गया तो ये इंडिया का सबसे पहला 5G फोन कहलाया जाएगा। तो इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका डिस्प्ले है 6 इंच का, और इसका फ्रंट कैमरा है जो वो है 8 मेगापिक्सल का, और इसमें भी आपको बैक में ड्यूअल कैमरास मिलेंगे, और दोनों जो प्राइमरी और सेकेंडरी कैमरा है दोनों ही 12 मेगापिक्सल की है। और इसके रैम की बात करूँ तो इसका रैम 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज आपको मिलेगी, और इसकी बैटरी 3000mAh की होगी जो कि थोड़ी कम है। वैसे पर्सनली मुझे इसके प्राइस वाइज ये फोन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पर 10 या 15 या 12 हजार में आप इससे भी बेटर फोन ले सकते हो, बहुत अच्छे फोन मिलते हैं। और मोटो पहले भी है हमारे इंडिया में, काफी अच्छे फोन है, काफी स्ट्रॉन्ग फोन है, अगर गुस्सा आ जाए अगर फेंक दे तो टूटता भी नहीं है ना, बहुत अच्छा फोन है, इसीलिए ज्यादा मजा, और ज्यादातर लड़कियों को ये फोन लेना चाहिए, मुझे तो ज्यादातर लेना चाहिए। कभी कभी गुस्सा आ जाए तो मैंने पता कितने फोन फेंके होंगे मुझे भी नहीं पता, पर मुझे मोटो ही लेना चाहिए था। पर पर्सनली मुझे इसका जो है प्राइस वाइज ये अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये 5G फोन है और ये इंडिया में 16 को लॉन्च होने वाला, आने वाला है, सेलिंग में आने वाला है। तो आपको पूरी वीडियो अगर आपने देख ली है मेरी, और अगर अच्छी लगी है वीडियो, और आपको तो पता ही होगा अभी मैं क्या बोलूंगी, पता है या नहीं है, पता है? थोड़ी देर चुप हो गई थी, मुझे लगा शायद आपकी आवाज आई मेरी तरफ, पर नहीं आई, क्या करूं, चलो कोई बात नहीं, ओली ओली मैं ही कर लेती हूँ अपने आप को, कोई बात नहीं। पर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर फिर दोबारा से मेरी वीडियो देखनी है तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। ज्यादा अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लेना, उससे भी ज्यादा अच्छी लग रही है तो अपने घर में सबको भाग भाग के दिखाना, देखो 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 प्रभजित ने वीडियो बनाई, देखो 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 प्रभजित ने वीडियो बनाई, और कर लेना प्लीज यार, मैं तो आज मेडिटेशन करने जा रही हूँ, भगवान से दुआ मांगने जा रही हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को खुश रखे, और मेरे फ्रेंड्स भी दुआ करे कि मैं भी खुश रहूं। तो आपकी बाय बाय, मैं प्रभजित कौर।